चलो जल्दी। चलो जरा जल्दी चलो, बहुत देर। अरे दीदी संभाल के और थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, आपको पता है ना शाम को ये रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एक डेढ़ घंटे में हम घर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन दीदी इस टाइम तो टेम्पो भी समय से नहीं मिलता। अरे मिल जाएगा, आप लोग के आगे आओ ना दीदी। बस आ गए बस स्टॉप पे। हाँ बस आ ही गए। हेलो। हाँ निशा, कहाँ हो तुम? हाँ मैं रास्ते में ही हूँ, बस एक डेढ़ घंटे में पहुँच जाऊंगी। ठीक है तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब दीदी लोग हैं ना साथ में, बस ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। ठीक है। दीदी हमें कल ऑफिस में जाकर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। हाँ बिल्कुल, चाहे कोई कुछ भी करे हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। क्या आपको लगता है इस मामले में पुलिस हमारी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, हम जाकर पुलिस में कंप्लेन करेंगे। से लोग हैं ना दीदी, देखो मामले को सामने लाकर हमें अपनी जिम्मेदारी तो जरूर निभानी है, आगे कानून अपना देख लेगा। अरे दीदी आप ये बताइए कि आप वो सुबह क्या बता रही थी? सुबह किस बारे में? कुछ प्यार के बारे में था शायद। हमारा नाम सुजीत है, हमसे दोस्ती करोगी?
सर हम ही आपको फोन किए थे और ये टेम्पो हम ही चलाते हैं। वो लड़कियां कहां से बैठी थी तुम्हारे टेम्पो में? सर मझगांव से। उन लड़कों का हुलिया पता है? सर चेहरा उनका ढका हुआ था और देखने में लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे थे। वो लड़कियों को किधर की तरफ लेके गए? सर शायद इधर ही गए सर। चलो कह रहे थे तुम्हारे टेम्पो में चार लड़कियां चढ़ी हैं। यहाँ तो तीन की बॉडीज दिखी। सर मेरे टेम्पो में चार ही लड़कियां चढ़ी थी, मैंने देखा था। श्रीवास्तव इधर जंगल में देखो आसपास, हो सकता है चौथी लड़की यहीं हो। सर वो तो मैंने नहीं सुना, मैंने इतना ही सुना था। क्या आपको लगता है इस मामले में पुलिस हमारी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, हम जाकर पुलिस में कंप्लेन करेंगे। और तभी अचानक गुंडों ने हमें घेर लिया। आप रुक जाओ, अपना रुपया पैसा मोबाइल रख इधर, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना तेरा तरबूज छोड़ दूंगा, निकल। चल। सर मैं भागा भागा मक्खनपुर के पास गया पीसीओ से आपको फोन करने के लिए। ठीक है बाहर वेट करो, बाद में पूछताछ करते हैं। जी सर। सो ये लड़कियां शक्ति तो वुमेन के एनजीओ में काम करती थी। एनजीओ में इन्फॉर्म कर दो, इसके डायरेक्टर को थाने बुलाओ। सर सर लगता है मरने से पहले काफी हाथापाई हुई। दो लड़कियों के सर पर चोट है लेकिन तीसरी लड़की के सर पे चोट नहीं है। हो सकता है किसी भारी चीज से वार किया। सर पर्स में रुपए पैसे तो नहीं मिले। लूट का मामला हो सकता है, चेक करो कोई मोबाइल वगैरह मिला। नहीं सर मोबाइल तो नहीं मिला, पर उनका पहचान पत्र मिला। सर आसपास पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई लड़की नहीं मिली। हो सकता है गुंडे उसे उठा के ले गए। सर ये भी हो सकता है कि वो बच के खुद भाग गई। हो सकता है, फिलहाल ये बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर एक मिनट। ठीक है ये ड्राइवर पे नजर रखो, इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर अगर ये गुंडों के साथ होता तो हमारे सामने आता ही क्यों? इसके गाड़ी के कागजात जो हमारे पास थे हम इस तक पहुंच ही जाते, इसलिए ये खुद हमारे पास आ गया ताकि किसी को इस पे शक ना हो। अनुज ये बॉडीज जिस कंडीशन में हमें मिली हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा। खैर जो भी हो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद तो पता चली जाएगा। सर क्या ये हो सकता है कि किसी ने एनजीओ से अपना बदला इन औरतों से निकाला हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सवाल ये होता है कि ये लड़कियां किस काम से मझगांव में आई थी। ये एनजीओ से सारी लड़कियों की डिटेल्स ले लो, लड़कियों के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो, और चौथी लड़की जो मिसिंग है उसके घर जाके भी देखो वो घर पहुंची या नहीं। अगर नहीं पहुंची तो सुबह इस एरिया में आके फिर दोबारा से छानबीन करनी होगी, हो सकता है वो डर के मारे जंगल में छुपी हो। जी सर। बिंदा ठाकुर इसमें शत प्रतिशत उसी का हाथ है। पिछले महीने भर से वो हमको डरा धमका रहा है। ये बिंदा ठाकुर कौन है? मझगांव का सरपंच। हमारी एनजीओ गांव में महिला जागृति मुहिम चला रही थी और ये बिंदा ठाकुर उसके सख्त खिलाफ था। क्यों? क्योंकि गांव में आंगनबाड़ी में हो रहे घपले के बारे में हम गांव वालों को जागरूक कर रहे थे। ये बिंदा ठाकुर आपको डायरेक्ट कॉल करके धमकी देता है? सर ऐसे लोग कभी डायरेक्ट कुछ करते हैं क्या? उसके गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं को गांव में आने से मना करते थे और कभी कभी तो ये भी कहते थे कि जमाना खराब है कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके एनजीओ में जो लड़कियां काम करती थी इनका आपस में रिश्ता कैसा था? अच्छा था, बल्कि बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहनों की तरह। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि उन चार लड़कियों में से तीन की हत्या हुई है और एक लड़की जिसका नाम निशा था वो बचकर निकल गई। ये बात हमें खटक रही है। एक काम कीजिए, उन चारों के नंबर और एड्रेस इस पे लिख दीजिए और उस बिंदा ठाकुर का भी। अनुज
इन चारों लड़कियों के मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो ताकि अगर किसी का भी फोन ऑन हो तो पता चल जाए। सामाजिक संस्था शक्ति टू वुमेन की 3 महिला कार्यकर्ताओं की लाशें पुलिस को मिली थीं। इस बड़ी खबर ने सारे मिर्जापुर जिले को ही नहीं सारे राज्य को दहला दिया था। अब भी लेकिन एक सवाल सामने खड़ा था कि चौथी लड़की कहाँ थी, क्या उसकी भी हत्या हो गई थी, या वो मौका वारदात से जान बचाकर भाग निकली थी, या इस वारदात को अंजाम देने में उसका कोई लेना देना था। मुश्किलों के पहाड़ सामने खड़े थे और पुलिस की राह उन्हीं रास्तों से गुजरने वाली थी। निशा का कुछ पता चला? कहाँ है हमारी बिटिया? हम भी उसी की तलाश में। जल्दी ढूंढिए उसे, अगले महीने उसकी शादी है। शादी किससे? राजू से, दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमारी बिटिया ने सोचा शादी से पहले कुछ सामाजिक कार्य कर ले, तो उसने सुधा जी का एनजीओ ज्वाइन कर लिया। राजू ऊंची जाति का है, इसलिए उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं, बस 4 ही दिन हुए हैं उसकी सगाई के। अगर राजू के घर वालों को पता चलेगा कि हमारी बिटिया रात भर घर नहीं आई, तो पता नहीं क्या क्या लाचन लगाएंगे उस पर। ठीक है। कल रात तो सिर्फ हमें शक था, लेकिन अब हमारा शक यकीन में बदल गया है कि जिस लड़की की पहचान कल संगीता के नाम से हुई थी, 8 साल पहले उसका ये वीडियो वायरल हुआ था। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। हमारे घर वाले हमारी जान के दुश्मन बने बैठे। तब हम परमानंदपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे और ये केस वही का था, इसीलिए कल रात हमने वहाँ से ये वीडियो मंगवा लिया। वो हमें मार डालना चाहते हैं। हम अभी दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में हैं। उस वक्त पुलिस ने इसे बचा लिया था और 8 साल बाद इस बेचारी की हत्या हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इसके बॉयफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और शायद इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और करवा दी। ये संगीता के माँ बाप और उसके पति को इन्फॉर्म कर दो और निशा की तलाश भी तेज कर दो। सर, सर हमने चारों तरफ निशा को ढूंढने की बहुत कोशिश, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली, तो बहुत मुमकिन है कि गुंडे उसे उठाकर ही ले गए और कहीं बंद करके रखा। अनुज अपने सभी मुखबिरों से इलाके के ऐसे तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में पता लगाने को कहो जो उस रात वारदात की जगह के आसपास देखे गए, खास तौर से बिंदा ठाकुर के आदमियों को भी, क्योंकि फिलहाल तो शक की सुई बिंदा ठाकुर के आसपास ही घूम रही है, लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत चाहिए हो। जी सर। मामले की कशीदगी को देखते हुए पुलिस ने अपनी तफ्तीश के आधार पर संदिग्धों को दबोचना शुरू किया। सर, आपका शक सही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ और जिन दो लड़कों को हमने शक की बुनियाद पर पकड़ा है उनका ताल्लुक बिंदा ठाकुर से। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली शक्ति टू वुमेन एनजीओ की 4 महिला कार्यकर्ताओं के साथ मझगांव में घिनौना अपराध। मारने से पहले किया गया था सामूहिक बलात्कार। 4 में से 3 मृत घोषित, जिसमें से 1 की तलाश अभी भी जारी है। पता नहीं जिया जी कहाँ रह गए, फोन ही नहीं मिल रहा उनका। संगीता की जिंदगी में सब कुछ संभला था और ये क्या हो गया भगवान। चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी करेंगे तो सिर्फ सुजीत से, वरना किसी और से नहीं। वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है और ऐसे आवारा लड़के से मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और तुम भूत बनकर क्या खड़ी हो, समझाओ इसे। सुरेंद्र शुक्ला। जी हाँ। सुजीत नाम के एक लड़के की ट्रक से कुचल के मौत हो गई। सुजीत! रुको, रुको उसे। लाश की हालत काफी खराब है, थोड़ा संभाल के देखिएगा।
अब तसल्ली हो गई ना आप लोगों को? खुश है ना आप लोग? एक काम करना, जब हम मर जाएंगे ना तब भी इतने खुश होना। पापा, हम खुद ही देख के आते हैं जीजाजी को। इंस्पेक्टर साहब बैठो। निंदा ठाकुर, शक्ति टू वुमेन नाम के एनजीओ के कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बलात्कार भी हुआ था, समाचार में देखा, बहुत दुख हो। वो चारों कार्यकर्ता परसों गांव में ही आई थी आपके, सुना है आप उन्हें धमकियां भी दिया करते थे। कैसी बातें कर रहे हैं? अबला नारी को मैं नहीं धमका था, हाँ कोई मर्द होता तो बात अलग है। वैसे आप लोग सबूत या गवाह लाए हो या ऐसे ही हवा में पतंग उड़ा रहे हो? गवाह और सबूत भी हम निकाल लेंगे। ये बताइए कि उस दिन गांव में हुआ क्या था? होना क्या था, ज्ञान देने आई थी तो मैंने ही थोड़ा सा ज्ञान दे दिया उन्हें। हमारी योजनाओं से आपको हर वो सहायता मिलेगी जो बिंदा ठाकुर आपको नहीं देते हैं। सरकार ने ऐसी एक नहीं ढेरों योजनाएं बनाई है बच्चों और महिलाओं के लिए। अगर आंगनवाड़ी में आपको इनमें से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या ये सब? तुम लोग इनकी बातें क्यों सुनते हो? मैं गांव का सरपंच हूँ, अगर तुम लोगों को कोई परेशानी है, कोई शिकायत है तो हम आपस में बात कर सकते हैं ना। बातें तो आप बहुत कर चुके हैं सरपंच जी, लेकिन अब हम काम करके दिखाएंगे, बातें नहीं। देवी जी, आपको जो करना है करो, लेकिन हमारे गांव की शांति भंग मत करो। चलो अपना अपना काम करो, चलो चलो। अरे आप रुकिए, आप लोग इनकी बात मत सुनिए, रुकिए आप लोग। अरे रुक जाइए आप। अब आप ही बताइए कि गांव में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना इंस्पेक्टर साहब। इसलिए आप जाइए और जो खो गई है लड़की उसे खोजिए, शायद वो जिंदा हो। अगर मेरी कुछ मदद की जरूरत हो तो मैं यहीं मिलूंगा। हो सकता है हमारी और आपकी अगली मुलाकात जेल में ही हो। इस पे नजर रखो। हमारे गांव में सामाजिक तौर पर काम करने वाली महिलाओं की जिंदगी खतरे से खाली नहीं रहती, तो क्या बिंदा ठाकुर ने अपने रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए हत्या और बलात्कार करवा दिया, या इसकी आड़ में कोई और ही खेल खेल गया? मझगांव सामूहिक हत्या और बलात्कार के मामले में पुलिस ने अपने शक के घेरे में आए हुए हर एक संदिग्ध पर नजर बनाए रखी। बिंदा ठाकुर के गुंडे तो मुंह ही नहीं खुले, वहाँ टेम्पो ड्राइवर के कॉल रिकॉर्ड या निगरानी से भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, हमने चारों लड़कियों की कॉल रिकॉर्ड चेक की, राधा और शामली के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ खास नहीं मिला। निशा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो क्या उसके बिंदा ठाकुर से बात हुई थी। निशा के कॉल रिकॉर्ड में बिंदा ठाकुर का नंबर नहीं है, लेकिन निशा की आखिरी बार बात उसके मंगेतर राजू से हुई थी। संगीता को Ha ha ha!
सर, इनको सर ने बुलाया। चलिए। कैसे पति हैं आप? हमने संगीता के कॉल डिटेल्स चेक किए, पता चला पिछले 15-20 दिन से आपने एक बार भी संगीता से बात नहीं की फोन पे। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी संगीता से? 20 दिन पहले। क्यों? क्योंकि पिछले 20 दिन से वो घर नहीं आई। तो फिर कहाँ रह रही थी? सर, वो अक्सर एनजीओ के काम से बाहर जाया करती। हमारी एनजीओ के डायरेक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि एनजीओ की लड़कियां 3 दिन पहले मिर्जापुर गांव गई थी। उससे पहले संगीता कहाँ रह रही थी? सर मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? आप पति हैं उसके? पिछले 15-20 दिन से बीवी आपके घर नहीं पहुंची है, आपने एक बार भी फोन करके ये पता करने की कोशिश नहीं की कि आपकी बीवी है कहां पर? मुझे तो आपको देखकर लगता भी नहीं कि आपको बीवी के जाने का जरा सा भी दुख है। सर दुख तो तब होता जब कुछ अच्छा होता। दरअसल इन दिनों हम लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। श्रीकांत, हम अब आपके साथ और नहीं रह सकते। हमने बहुत कोशिश की रिश्ता निभाने की, लेकिन हम कब तक ढोंग करते रहे? 1 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 1 महीने से देख रहा हूं कि तुम अचानक बदल गई हो। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। सर, इस पर नजर बना रखिए। अनुज, एक बात समझ में नहीं आई। संगीता अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, उसका बॉयफ्रेंड सुजीत पहले मर चुका है, तो फिर वो रहना किसके साथ चाहती थी? या फिर इन दिनों उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था, या फिर 8 साल बाद अब उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया होगा? निशा के बारे में कोई खबर? सर, अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसके मंगेतर राजू को थाने बुला लिया है। मुझे नहीं पता सर निशा कहाँ है। निशा तुम्हारी मंगेतर है, और अभी तक तुमने थाने आकर निशा के बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? वो मुझे निशा की माँ से पता चला कि आप लोग उसे ढूंढ रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। ये बताओ कि वारदात से ठीक पहले तुम्हारी निशा से बात क्या हुई? सर, मैं उसके लिए बहुत परेशान था। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। बस थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। देखिए, निशा हमें वारदात की जगह नहीं मिली, ना ही वो अपने घर पहुंची, और ना ही उसने तुमसे कॉन्टेक्ट करने की कोई कोशिश की। आखिर क्या वजह हो सकती है? मैं क्या बताऊं सर, मुझे खुद नहीं मालूम। ठीक है, अभी तो तुम जा सकते हो, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं। जी सर। लड़का कुछ ज्यादा ही सीधा लग रहा है, निगरानी रखो इसमें। जी सर। वो भी तेरे राजू की तरह ही मुझसे बहुत प्यार करता था। निशा को किसी ने बंदी बना रखा था, लेकिन क्यों? कौन था वो? क्या चाहता था? निशा की तलाश में जुटी पुलिस टीम जहां उसे दिन रात ढूंढने में लगी थी, वहीं दिन रात कोई निशा का शोषण भी कर रहा था। सर, हमने कुछ नहीं किया है, हम सच बोल रहे हैं। सर, बिंदा ठाकुर के गुंडे तो अपने पुराने बयान पे ही डटे हुए, हो सकता है कि उनका इस केस में कुछ लेना देना हो ही। लेकिन फिर भी अभी इन्हें डिटेन करके ही रखो। जी सर। इसके अलावा राधा और शामली के घर वालों से भी बात, उनके कॉल रिकॉर्ड से भी इस केस को कोई नई दिशा नहीं, टेम्पो ड्राइवर से भी कुछ हासिल नहीं। बिंदा ठाकुर ने उन्हें धमकी तो दी, लेकिन इस केस में उनका कोई हाथ हो अब तक ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला। अनुज, पता लगाओ कि इस एनजीओ ने सिर्फ बिंदा ठाकुर से ही दुश्मनी ले रखी थी या कोई और भी था जिससे इनकी दुश्मनी थी? नहीं सर, हमने इस दिशा में भी कटोला है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि अब निशा के सुराग मिलने पे ही ये डिपेंड करता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या हो। बेटा, अभी तक आप सोए नहीं, चलो सो जाओ जल्दी से फटाफट। मम्मी की याद आ रही है। हम भी आपकी मम्मी जैसे है ना। चलो अभी आप सो जाओ, फिर कल हम मम्मा के पास चलेंगे, ठीक है? चलो, गुड बॉय, सो जाओ आराम से। हाँ, गुड नाइट, बाय। जी, आप अपने आप को अकेला मत समझिए,
हम आपके साथ हैं। तो संगीता के कॉल रिकॉर्ड्स में ये कई ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 4 से 5 दिन या एक सप्ताह इस्तेमाल करके बंद कर दिए गए हैं, और ये सभी नंबर्स किसी सिद्धार्थ वर्मा के फेक आईडी पे रजिस्टर हैं। अनुज पता करो, ये सिद्धार्थ वर्मा के नंबर्स बाकी 3 लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स में भी हैं क्या? जी सर। और लोकेशन? सर संगीता की लोकेशन ज़्यादातर बनारस का बाग रोड इलाका रहा है, लेकिन इन फेक नंबर्स की लोकेशन हमेशा अलग अलग रही। लेकिन एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से ये सिद्धार्थ वर्मा संगीता से करीब 8 से 10 बार बात कर चुका है। और वो लोकेशन कौन सी है? टीना। थैंक यू। सुनिए, इस बार आप फिर से 5-6 दिन बाद आएंगे? नहीं नहीं, जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ जरूरत होगी तो बताना, मैं वहीं से अरेंज कर दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आ जाए। पक्का। कितना रिस्क उठा के लाया हो तुझे पता है? तू यहाँ पर सेफ है, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरी सगाई हो चुकी है। और सुहागरात कितनी बार तू बना चुकी है मेरे साथ? बोलना मत। तो सिर्फ मेरी है। सर, जिन फेक नंबर से संगीता की बात हुआ करती थी, बाकी तीनों लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स में उनमें से कोई भी नंबर नहीं है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है उन फेक नंबर से सिर्फ संगीता की ही बातचीत हुआ करती थी? जी सर, और संगीता के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से उसका घर यहाँ आगे संतोष नगर में। जरा बात सुनो, इस लड़की का नाम संगीता है, जानते हुए कहाँ रहती है? ताला लगाओ। जरा पड़ोस में पता करो ये घर किसका है। सर। सर, ये घर इनका है। हाँ सर, किराए पे दे रखी है। कौन रहता है यहाँ? एक संगीता नाम की लड़की है। अकेली रहती है या किसी के साथ रहती है? सर ज्यादातर वो अकेली रहती है, उसका पति कभी कभार आता है। क्या ये है वो आदमी? पता नहीं सर, मेरी एग्रीमेंट की सारी बातें संगीता से हुई थी। एग्रीमेंट लाइए। जी सर। संगीता अपने पति के साथ रहती, कैसे हो सकता है? उसने हमें बताया ना। जी सर। ये एग्रीमेंट तो श्रीकांत के नाम पे, वो भी 1 महीना पहले हुआ। तो पहचानते हो इस आदमी को? उसको मेरा बेटा जानता है। आपका बेटा कहाँ पर? काम के सिलसिले में अजमेर गया था। जैसे ही अजमेर से वापस आए उसे थाने लेके आना है, हमें उस आदमी का स्केच बनवाना है जो यहाँ आया जाया करता है। जी सर, अभी के लिए हम ये ले जा रहे हैं। जी सर। अनुज, श्रीकांत ने हमें कहा था कि उसकी अपनी बीवी से अनबन चल रही थी, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट श्रीकांत के नाम पे हुआ हुआ है जहाँ संगीता रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है वकील श्रीकांत हमारे साथ कोई दाव पेंच खेल रहा? घर जल्दी आइएगा, हम पहना देते हैं। रहने दीजिए, हम कर लेंगे। कहिए इंस्पेक्टर साहब। आपने कहा था आपकी बीवी आपके साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन जहां वो रह रही थी वहां का एग्रीमेंट तो आप ही के नाम पे बना हुआ। पर ये सब झूठ है वकील साहब, आपकी फोटोग्राफ और आईडी लगी है इसमें, और आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके ही जैसे किसी हमशक्ल के साथ घर में रह रही थी। सर हमें कुछ नहीं पता, और
वैसे भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारी बीवी के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। हमसे तलाक लेना चाहती थी। बीवी तलाक चाहती थी और आपकी साली आपके साथ आपके घर में रह रही थी, है ना? क्या मतलब सर? मतलब ये कि अपनी साली के चक्कर में आपने अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटा दिया और अब हमें गुमराह कर रहे हैं। सर ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? वकील साहब चौकन्ने रहिए, कानून के आंख पर पट्टी जरूर बंधी होती है लेकिन वो अंधा नहीं होता। संगीता के नए घर में जिस आदमी को आते हुए देखा गया था ये उसकी स्केच तैयार हुई है। ये स्केच हमने मकान मलिक के बेटे की मदद से तैयार किया है। अनुज, अगर दाढ़ी श्रीकांत के लगा दी जाए तो क्या वो इस आदमी जैसा दिखेगा? नहीं, ये आदमी तो कोई और ही है। तुम ठीक तो? क्या हुआ निशा? मुझे डर लग रहा है राजू। निशा आप डरने की जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मुझसे क्यों? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? निशा तुम ये फालतू की बातें सोचना बंद करो, तुम्हें आराम की जरूरत। हाँ तुम आराम करो। हाँ यादव बोलो। सर निशा का पता चल गया है, वो हॉस्पिटल में। निशा? निशा हमें तुम्हारा बयान चाहिए होगा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हमें शुरू से बताओ। सर हम लोग टेम्पो से बनारस वापस लौट रहे थे, वहां पर सिर्फ कुछ गुंडे आए और हमें चारों तरफ से घेर लिया और टेम्पो के ड्राइवर को भी वहां से भगा दिया उन लोगों ने। हम लोग तुम लोगों को चाहते। बांधो इन सबके हाथ पर। संगीता जी आप थोड़ी अलग खड़ी हुई। तीनों में तो हमको कोई दिलचस्पी नहीं, जो करने आए थे वो तो कर लिए, अब तुमको इन तीनों के साथ जो करना है वो करो। तुमने उनके चेहरे देखे थे?
उन सबके चेहरे ढके हुए थे। और सर जब उनमें से एक राधा के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो राधा ने उसका नकाब खींच लिया और सर फिर उसने राधा को मार दिया। अबे तूने इसको मार क्यों दिया? इसने मेरा चेहरा देख लिया था भाई। सबको मार, किसी को मत छोड़ना। तो फिर उन्होंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? मार! इसको नहीं। क्या बोला? ये मुझे पसंद है। पागल हो गया क्या? अगर ये जिंदा रहेगी ना तुझे अंदर करवा देगी, समझा? भाई बात की बात में देखी जाएगी, मगर ये मुझे पसंद है। भाई घर में बांध के रखना, मैं भी आऊंगा कभी कभी। चले। उसने तुम्हें कहाँ छुपा रखा था? चितौना की कोठरी में छुपाया था। एक बात बताओ, वो गुंडे किसी का नाम ले रहे थे, जैसे बिंदा ठाकुर, श्रीकांत, सिद्धार्थ? नहीं सर। अच्छा, जिसने तुम्हें कोठरी में बांध के रखा था उसका स्केच बनवा सकती हो? हाँ सर। और सर मैंने उसे भी देखा था जिसने राधा को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों का स्केच बनवा सकती हो और उसी स्केच के जरिए असली कल्प्रिट तक पहुंच पाए। अनुज, पूरे हादसे से तो यही लगता है वो जो कोई भी थे संगीता ही टारगेट थी उनके लिए। तो संगीता की जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बाकी लड़कियां इसलिए मारी गईं क्योंकि उन्होंने उनमें से किसी एक गुंडे का चेहरा देख लिया था। ऐसा कौन हो सकता है जो संगीता की जिंदगी लेना चाहता? कुल मिलाकर ये पूरा हादसा संगीता की जिंदगी से जुड़ा हुआ। निशा, क्या कभी संगीता ने अपनी जिंदगी के बारे में तुमसे कुछ कहा था? नहीं सर, पर सर दीदी एक महीने से बहुत खुश थी, कह रही थी कि उन्हें उनका प्यार मिल गया है। प्यार? संगीता ने किसी का नाम बताया? निशा के पुलिस को दिए बयान के बाद इतना साफ हो गया था कि अपराधियों का मकसद संगीता को ही टारगेट करना था और उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस केस के सिरे को पकड़ लिया। उनकी मुहिम इतनी खुफिया थी कि खुद उनके मातहत काम करने वालों को भी इसकी कोई भनक नहीं थी, लेकिन अब उनकी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया। क्या बात है सर? आपका बेटा कहाँ है? आप ऐसे कुछ नहीं बताएंगे। यादव, इन्हें थाने लेकर चलो, वहीं बात करेंगे इनसे। साहब, साहब बात क्या वो तो बताइए साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते साहब मेरे साथ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम। बैठाओ इन्हें गाड़ी में। साहब गलती क्या है मेरी साहब, ये हो क्या रहा साहब? सीधी तरह से बताइए आपका बेटा है कहाँ पर। आप ये मत कहिएगा कि बेटा मर चुका है। साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब पुलिस आपके पास पहुंच सकती है तो थोड़ी मेहनत करने पे आपके बेटे के पास भी पहुंच सकती है। बेहतर होगा हमारा काम आसान कर दे। कौन सा आएगा? आपके पति घर पे हैं? हाँ। आठ साल पहले जो आदमी मर चुका था उसका पुनर्जन्म देखकर बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ वर्मा और सुजीत। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यादव सर, जरा लेकर आओ उन्हें। पापा। अनुज, आप समझे निशा ने क्या कहा था? दीदी ने बस इतना कहा कि उन्हें उनका पहला प्यार मिल गया है। ये है संगीता का पहला प्यार।
भाई हमें तेरी कहानी एकदम शुरू से सुननी है। तू 8 साल पहले मर गया था ना, फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गया? सर हम और संगीता 8 साल पहले एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हमारी बिरादरियां अलग थी। उसके घर वाले नहीं माने तो एक दिन हम दोनों घर से भाग गए और हमने मंदिर में शादी भी कर ली थी, लेकिन उस वक्त संगीता नाबालिग थी। उसकी किडनैपिंग का केस हम पर लग गया और उसके बिरादरी वालों से भी हमारी जान को खतरा था, तो हमारे पापा ने हमारी जान और हमारा फ्यूचर दोनों बचाने के लिए हमें यहाँ से भगा दिया। और एक रोड एक्सीडेंट में कुचली हुई लावारिस लाश को हमारी लाश बताकर हमें कानून और उन लोगों से बचा लिया था। और मैंने उस लावारिस डेड बॉडी पे सेम अपने जैसा टैटू भी बना दिया था। तो तूने संगीता और एनजीओ की बाकी लड़कियों की हत्या और बलात्कार क्यों करवाया? सर हम तो अपनी दूसरी जिंदगी में बेहद खुश थे। सर हमने तो शादी भी कर ली थी, बैंक में अच्छी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन फिर जब हमारा ट्रांसफर दिल्ली से यहाँ बनारस होने लगा तो अपना चेहरा छुपाने के लिए हमने दाढ़ी मूछ रखना शुरू कर दिया ताकि कोई हमें पहचान न सके। फिर एक दिन बाजार में संगीता ने हमें पहचान लिया। थोड़ा धीरे बोलो प्लीज, हम सब हमें जानते हैं, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी, तो उसे लेकर मैं अपने दोस्त के यहाँ चला। तुम्हारी मौत की खबर के बाद हम जिंदगी से हार गए थे। मेरे माँ बाप ने जहाँ मेरी शादी करवाई मैंने उसी को अपनी किस्मत मान ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, उस घर में वापस नहीं जाएंगे। और वैसे भी हमारी शादी तो आज से 8 साल पहले ही हो चुकी थी ना। संगीता वो हमारा बचपना था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं ना। जब हम नहीं बदले, तुम नहीं बदले, तो हालात कैसे बदल गए? वो अब हमसे रोज मिलने की इज्जत करने लगी, और रोज रोज तो किसी दोस्त के यहाँ पर नहीं मिल सकते थे, इसलिए हमने एक कमरा किराए पे ले लिया। संगीता ने अपने पति श्रीकांत के नाम से एग्रीमेंट बनवा लिया था, लेकिन फिर वो हमसे शादी की जिद करने लगी। तो तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू शादीशुदा है? बताया था सर, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम एक काम करते हैं, हम हमारे पति से तलाक ले लेते हैं और आप अपनी पत्नी से तलाक ले लीजिए, फिर हम दोनों साथ में कहीं दूर जाकर घर बसाएंगे। और एक दिन फाइनली वो अपने पति को छोड़कर हमारे पास आ गई। उसने हमें बताया कि वो अपने पति को तलाक के बारे में बोलकर आई है, लेकिन हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए एक एक दिन करके हम उसे टालते रहे। फिर एक दिन उसने हमें बिंदा ठाकुर के बारे में बताया। बिंदा ठाकुर खुद को लोगों का बहुत बड़ा हमदर्द दिखाता है, पर जब हमने उसके काले करतूतों पर से पर्दाफाश करने की कोशिश की तो उसने अपने लोगों के जरिए हमें जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। किसका फोन था? किसी का नहीं। तुम्हारी बीवी का फोन था ना, तुमने उसे अब तक हमारे बारे में नहीं बताया। एक काम करते हैं, हम ही उसे बता देते हैं। संगीता प्लीज। उस दिन हम सच में बहुत डर गए। हमें लगा अगर किसी दिन अगर संगीता ने हमारी पत्नी को सब कुछ बता दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे पुराने राज खुल जाएंगे। हम 2 कश्तियों पर सवारी नहीं कर सकते। तब हमें बिंदा ठाकुर की धमकी याद आई। हमने सोचा कि अगर कुछ लोग संगीता पर हमला कर दें तो हमें संगीता से छक्करा भी मिल जाएगा और वो इल्ज़ाम बिंदा ठाकुर पे जाएगा। ये संगीता है, इसका बलात्कार करना, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम सिर्फ इसी का रेप करने के लिए गए हो, हर लड़की का रेप होना चाहिए। काम हो जाएगा। हमें लगा अगर उसकी इज्जत ही लूट जाएगी तो वो शर्म से खुद ही आत्महत्या कर लेगी। हमारा उसे मरवाने का कोई इरादा नहीं था सर, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने अपने परिवार को बचाने के लिए किया सर। कितने सुंदर विचार हैं तेरे। अगर अपने परिवार को बचाने का इतना ही ख्याल होता तो दोबारा संगीता से मिलता ही नहीं, और अगर मिलता भी तो संगीता को अपनी शादी बचाने की सलाह देता, पर तू तो उसका फायदा उठाना चाहता था। दरअसल तेरी प्रेम कहानी में तूने कभी संगीता से प्यार किया ही नहीं, संगीता ने तुझसे प्यार किया। अनुज, मौत का झूठा नाटक रचने के आरोप में इसके बाप को भी गिरफ्तार करो, सड़ेंगे दोनों जेल में। सर। सुजीत के इवालिया बयान के बाद पुलिस ने हर मुजरिम को घसीट कर सलाखों के पीछे कर दिया। संगीता से पीछा छुड़ाने के लिए उस सुजीत ने बड़ा ही गलत कदम उठाया, जिसकी कीमत संगीता को अपनी जान और आबरू देकर चुकानी पड़ी। याद रखिए, जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, लेकिन एक बार रास्ता चुनकर आगे बढ़ने के बाद
पीछे पलटने से पहले सभी पहलुओं को गौर से देख लेना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.